उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अटैचमेंट का खेल हर सरकार में खेला गया हो, लेकिन हर सरकार में अटैचमेंट को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक और कर्मचारी अटैचमेंट करवाते हैं, साथ ही कई ऐसे शिक्षक और कर्मचारी भी होते हैं जो बीमारी का बहाना बनाकर अटैचमेंट करा लेते हैं या सत्ता तक जिनकी पहुंच होती है वह अटैचमेंट करा लेते हैं। लेकिन अब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को अटैचमेंट की जगह अनिवार्य सेनावृत्ति न दिए जाने को लेकर विभागीय अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि 3 दिन के भीतर गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया जाए, ताकि जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक और कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही है या विभाग का काम प्रभावित हो रहा है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सके। देखिए, इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा भी हाल में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक तो जो अभी तक अटैचमेंट किए गए हैं शिक्षकों के और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के, वो सूची तलब करी थी, तो लगभग 600 के करीब थे। तो उनके द्वारा एक तो ये निर्देशित किया गया है कि कोई भी अटैचमेंट जो है शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, और जो अटैचमेंट जो है जियो के अनुसार है, जो जेन्युइन केसेस है वही अटैचमेंट किया जाए। इसके अलावा ये भी निर्देशित किया गया कि जो इस तरह के केसेस हैं, जो कर्मचारी या शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं और वह अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो इससे मेरे द्वारा कल सभी जनपदों से सूची तलब करी गई है, इस तरह के कर्मचारियों की, शिक्षकों की, जो किसी भी गंभीर बीमारी के कारण जो है या अन्य किसी विषय किसी अन्य किसी कारण से जो है अध्यापन कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लंबी छुट्टी पे हैं, या फिर अपने मूल स्थान से किसी अन्य जगह इस कारण से अटैचमेंट चाह रहे हैं, तो वो सूची आने के बाद जो है उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के लिए जो है शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की जाए। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा विभाग का कड़ा रुख अटैचमेंट को लेकर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार अटैचमेंट के बहाने गंभीर बीमारी का बहाना दिखाने वाले शिक्षकों को या तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति देगी या फिर अटैचमेंट खारिज करेगी। लेकिन राजकीय शिक्षक संगठन का कहना है कि अटैचमेंट के खेल में यदि शिक्षक ने गलत तथ्य प्रमाणित किए हैं तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जाँच के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो शिक्षक वास्तव में गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जानी चाहिए। तो जो वास्तविक जिन्हें जरूरत है उनको तो संगठन ने कभी विरोध नहीं किया, अभी भी नहीं करेगा। लेकिन जितने भी फर्जी, हम तो आज भी कह रहे हैं, जितने भी फर्जी मेडिकल वाले हैं उनकी जाँच होनी चाहिए और उन्हें पकड़ के बिहार दे देना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और रही अटैचमेंट की बात, सारी ब्यूरो के सामने से कुछ नहीं होता, इस पर महानिदेशकों को साहस भी करना पड़ेगा। कम से कम एक तरफ जहाँ नियम के अंतर्गत शिक्षक का स्थानांतरण हुआ उसे तो कार्यमुक्त नहीं कराया जा रहा है कि शिक्षक कम है, और दूसरी ओर यहाँ हजारों शिक्षक अटैच हैं, ये कहाँ का न्याय है? और संगठन तो हमेशा विरोध करता है कि जितने भी अटैचमेंट हैं बिल्कुल एकदम वो समाप्त होनी चाहिए, और जो फर्जी मेडिकल वाले हैं उनकी जाँच होनी चाहिए। जो वास्तविक जैसे नीड है, मैं न तो संगठन उनका विरोध करता है ना मैं इसकी पैरवी करूँ कि उन्हें डीआरएस दिया जाए, उसे जरूरत है। बेचारे के साथ ऐसा अन्याय हुआ है और ऊपर से हम इस तरह के जबरदस्ती उसे डीआरएस की बात करेंगे तो बहुत गलत है, अन्याय है उसके साथ।